माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रवीण सूची में अपना नाम दर्ज कराने वाले छात्रों को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 85% से ऊपर अंक वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए सिंगल क्लिक से 25,000 रुपये दिए। इस दौरान प्रदेश के मुखिया ने छात्रों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। ऑनलाइन छात्रों से संवाद स्थापित करते हुए मऊगंज निवासी दिव्यांग कृष्ण कुमार केवट, जिन्होंने अपने पैरों से अपना भाग्य लिखा और 82% अंक हासिल किया था, जिसकी खबर न्यूज वैन द्वारा प्राथमिकी से चलाई गई थी, से संवाद स्थापित कर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए मदद करने व कृत्रिम अंग लगाने के लिए रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन को निर्देशित किया। वहीं त्योथर की सुनौरी गांव की खुशी सिंह, जिन्होंने प्रदेश में कला संकाय से प्रथम स्थान अर्जित किया था, उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए पढ़ाई के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। IAS बनने की चाह रखने वाले दोनों ने मामा को धन्यवाद दिया। प्रस्तुत है कृष्ण कुमार केवट, खुशी सिंह एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन से जानकारी के अंश। लेकिन आप देखिए, बाकी बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि खुशी लगातार 5 किलोमीटर जाती थी, साइकिल से 5 किलोमीटर आती थी और एक सामान्य किसान के घर पैदा हुई। उसी बेटी ने चमत्कार किया, ये चमत्कार हर बच्चे कर सकते हैं। ये हिम्मत मत हारना, अच्छा ये बताओ, आप सबको बताऊ, हाथ नीचे तो मन में कभी तुम्हारे निराशा तो नहीं आई, कब क्या क्या करूँ कैसे करूँ? ऐसे बच्चों की, ऐसे बच्चे की कहानी जरूर दिखाना ताकि दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। हाथ नहीं है लेकिन पैरों से लिखने के 82% से ज्यादा नंबर लेके मेरा बेटा आ रहा है। शिक्षा विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके जी सर, जहाँ इलाज होगा सर उसकी बातचीत करो और पढ़ाई का पूरा इंतजाम करना हर सामान्य सर। सर पहले पता कर लेते, यहाँ से भी हम पता करेंगे, मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, जहाँ भी हो सकता हो, जयपुर में भी केवट बोल रहा हूँ। हमारा गांव है ये ग्राम हर्राई मुड़हान जिला रीवा मध्य प्रदेश। मैं कक्षा 12वीं में 82% अंक लाए हैं पैरों से लिख का, और मैं आगे सोच रहा हूँ IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। या सरकार से हमारी मदद मिले तो हम आगे तक बढ़ सकते हैं, और शासन या प्रशासन सभी लोगों से हमारी जो सहायता करें, और हमारे आने जाने भी की पैदल यहाँ से स्कूल 10 किलोमीटर पड़ती थी, आने जाने भी के हमारा हो जाए। CM साहब ने कहा है कि आपको नाम दिया जाएगा, कैसा लगा? अच्छा लगेगा सर। अब आपके हाथ में जाएंगे तो आप काम कर सकते हैं अपना? कर सकते हैं, हाथ लग जाएगा तो। आपकी पढ़ाई के खर्चे उठाने की भी हमने कहा जी सर। क्या पूछा आपसे? हमसे पूछे को कैसे पढ़े हो, कैसे क्या कहे हो, ऐसे उस सब पूछे हैं हमारे बारे में। तो मैं बताया कि यहाँ से पैदल आकर 10 किलोमीटर पढ़ने जाता था, स्कूल हमारी पढ़ती थी पैदल जाकर, और जो सवाल नहीं कर पाते थे तो गली में ही करते थे रास्ते में। अभी आपकी कोई और आवश्यकता है जो आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि कोई हमारे एक सदस्य में, एक घर भाई हैं हमारे कॉलेज वॉलेज किए हैं, उनको नौकरी मिल जाए तो हमारे घर की जो समस्याएं हैं तो पूरी हो सके। हमें अच्छा लगा, मतलब उन्होंने यहाँ बुला के हमसे बात की, और क्या मतलब आगे क्या पढ़ना चाहते हैं ये पूछा हमसे, और कैसा सहायता आप मतलब उनसे चाहते हैं ये भी पूछा हमसे, और सभी बच्चियों को मतलब आश्वासन दिए हैं आगे पढ़ने के लिए। आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई में आपको कैसी कठिनाइयाँ होती थी?
पढ़ाई में हमें आर्थिक कठिनाई होती थी, सामाजिक तो नहीं होनी होती थी, क्योंकि मतलब जो हमारे टीचर थे, मैम थी, और जो क्लास टीचर थे और जो हेड सर थे, तो वो मतलब बहुत अच्छा सहायता करते थे बच्चों को पढ़ने में, मतलब कोई कठिनाई नहीं आने देते थे। और आर्थिक ये आती थी कि मतलब जैसे बुक हो गई, कोचिंग हो गई, इसमें जैसे किसी के पास पैसा नहीं रहता तो वो मतलब बाहर से क्लास नहीं ले सकता था, बस स्कूल में पढ़ सकता था। बेटियों के लिए क्या संदेश देंगी, और भी लड़कियां होंगी आपके गांव में जो अभी भी पढ़ाई से वंचित होती हैं, चाहे परिजनों का कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है, किस तरीके से उनको संदेश देंगी, मोटिवेट कैसे करेंगी? जी, हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो मैं मतलब इसके नाते ये बोलना चाहूँगी मतलब लड़कियों को, जो बच्चे मतलब गरीब माँ बाप रहते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब बेटियों को पढ़ाने से कुछ होने का, वो लड़के पढ़ाने से होता है ना, कि मतलब वो जीवन भर हमारे मतलब आर्थिक सहायता करेंगे तो इससे कुछ नहीं, तो मतलब बेटियों को भी पढ़ाएं, अपने बेटियों को मतलब आगे बढ़ने का मौका दें। और माँ बाप ये भी सोचते हैं कि मतलब बाहर का थोड़ा जाना बेकार लगता है लड़के को, मतलब बाहर नहीं भेजना चाहते, तो मतलब वो ये डरे मत, मतलब जाने दें उन्हें, मतलब सामाजिक मतलब वो करके सुरक्षा दे के उन्हें बाहर जाने के लिए, मतलब मना ना करें उनको, मतलब सुरक्षा के सही भेजें उन्हें। घर से सपोर्ट मिलता था, नहीं मिलता था इन सब चीज़ें? जी, हमें पूरा सहायता मतलब सपोर्ट मिलता था, मेरे मम्मी पापा मतलब बोलते थे कि मतलब कुछ भी करना है तो हमें बताना कि मतलब क्या हुआ, मतलब और बच्चे क्या रहते हैं मतलब झिझकते हैं कि मतलब ये नहीं बताना चाहिए अपने मम्मी पापा को, मतलब वो खुद में वो करते रहते हैं कि बताएं कि ना बताएं, मतलब हमारे घर की ऐसा नहीं था, हमको भी जो भी करना चाहते थे मैं बताती थी मम्मी पापा को। मैं IAS बनना चाहती हूँ, लेकिन मतलब हमारे माँ बाप मतलब इतने ज़्यादा पैसा नहीं है कि आगे मतलब कोचिंग करा सके, फीस भी ज़्यादा रहती है कोचिंग की, तो हम चाहते हैं कि हमारे मतलब सरकार हमें पढ़ाने में मदद करे। जी, हमने उनको बताया है, उन्होंने बोला है कि मतलब आप बच्चों का मामा है तो हमने मतलब वो आश्वासन दिए हैं हमें। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की वर्ष 2020 की 12वीं की परीक्षा में जिन छात्रों ने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लैपटॉप क्रय करने के लिए 25,000 रुपये की राशि प्रदाय की जा रही है, और पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 छात्रों को ये राशि प्राप्त होगी, और रीवा ज़िले में भी लगभग 459 छात्रों को ये राशि प्राप्त हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुशी सिंह, जो यहाँ के त्योतर सुंदरी गांव की निवासी हैं और कला संकाय में टॉपर हैं, उनसे भी संवाद किया है, और जो हमारे कृष्ण कुमार केवट हैं जो दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, उन्होंने पैर से लिख के परीक्षा की, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया और उनकी पढ़ाई और इलाज के लिए संपूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो कृष्ण कुमार केवट को जल्दी ही जयपुर भेजकर उनके कृत्रिम हाथ लगवाने की कार्रवाई शासन के द्वारा की जाएगी।